कैसे हैं आप लोग आपकी ई वी चार चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं ये आपकी रिवाइज्ड ई है फर्स्ट क्लास की अबाउट मी तो अबाउट मी ये तो आपको खुद करना है माय नेम इज़ अपना नाम लिखना है आपको आई एम अ गर्ल या बॉय आई एम कितने आप ईयर्स ओल्ड हैं माई मदर नेम मदर का नाम लिखना है माय फादर नेम इज़ मिस्टर जो भी फादर नेम आपको नाम लिखना है आप किस स्कूल में पढ़ते हो द नेम ऑफ माय स्कूल इज़ आई एम इन क्लास फर्स्ट सेक्शन जो आपका हो वो लिखना है माय टेलीफोन नंबर इज़ आपके जो पापा का जो टेलीफोन नंबर है वो आपको लिखना है माय बर्थडे इज़ ऑन किस डेट में है आपकी बर्थडे वो लिखनी है इज़ माई बेस्ट फ्रेंड जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसका आपको नाम लिखना है तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर अबाउट मी तो ये रख लीजिएगा अबाउट मी दसों पॉइंट सेकेंड चैप्टर है आवर बॉडी इज़ वंडरफुल तो आवर बॉडी इज़ ए लिविंग मशीन हमारी क्या है हमारी जो बॉडी है वो एक तरह की एक मशीन है लिविंग जिंदा मशीन है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ये अलग अलग जैसे आपके मशीन में पार्ट्स होते हैं अलग अलग जैसे कंप्यूटर पार्ट्स आपने पढ़े इसी तरह बॉडी में भी हमारे क्या पार्ट्स होते हैं लुक एट द बेयर किब बिन बिलो इट टेल्स अस द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं जैसे हेड आई नोज नेक एल्बो टो हेयर फॉरहेड ईयर माउथ चिन शोल्डर चेस्ट स्टोमक आर्म हैंड फिंगर थम इसमें बी जो है साइलेंट है थम में नी के साइलेंट है नी में लेग फोर्ट और दोनों अगर पैर हों तो फीट एफ डब्ल्यू टी फीट हम यूज़ करेंगे और इसमें हम फोर्ट तो इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं नहीं अभी जब तक यही रहेगा आवर बॉडी हेल्प अस तो ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट सेम वर्क है हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है सेम वर्क यानी एक जैसा काम नहीं करता लुक एट दी पिक्चर्स दे शो वाट आवर लेग्स एंड फीट डू हमारी लेग्स और पैर जो है क्या काम करते हैं देखिए स्टैंड कर सकते हैं हम किक वॉक जंप रन स्किप फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स वन इज़ डन फॉर यू अभी कह रहा है आई यूज़ माई लेग्स एंड फीट टू तो हम क्या क्या, क्या कर सकते हैं अपनी काया का इस्तेमाल करते हुए लेग्स एंड फीट टू स्टैंड केक वाक जम्प रन स्किप लेट अस सी वाट आवर आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर्स टू तो हम अपने आर्म्स हैंड्स और फिंगर्स से क्या कर सकते हैं ईट राइट होल्ड लिफ्ट कैरी थ्रो पेंट ड्रो ईट राइट होल्ड लिफ्ट कैरी थ्रो पेंट ड्रो in द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स वन इज़ डन फॉर यू आई यूज़ माई हैंड्स टू कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है बर्ड्स की ईट राइट होल्ड लिफ्ट कैरी थ्रो वी शुड टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कीप दैम गुड कंडीशन हमें अपनी बॉडी के पार्ट्स की क्या है केयर रखनी चाहिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग ये है टिक राइट द करेक्ट आंसर जो सही आंसर होगा उसमें हमें टिक चूज़ करना है लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी तो हैंड आपकी बॉडी का पार्ट है लेग आपकी बॉडी का पार्ट है तो पेंसिल नहीं है तो हमें पेंसिल पर पे टिक करना है इफ़ योर हैंड्स आर टायर बिहाइंड यू विल नॉट बी एबल टू अगर आपके हाथ पीछे बांध दिए जाएँ तो आप क्या नहीं कर सकते रन रन तो कर सकते हो तो पैर तो होगा इस पर टंग से बोलोगे आप होल्ड आप किताब को नहीं पकड़ सकते यानी होल्ड बुक्स इफ़ योर लेग्स आर टायर टू आर चेयर यू विल नॉट एबल टू अगर आपके पैर चेयर कुर्सी से बांध दिए जाएं चेयर से तो आप क्या नहीं कर सकते यू विल नॉट बी एबल टू तो आप वॉक नहीं कर सकते यानी आप चल नहीं सकते ओके वी हैव डैश ईयर्स कितने ईयर्स हैं तो वी हैव टू ईयर्स वी हैव टू ईयर्स नेक्स्ट वी हैव डैश हैंड्स तो वी हैव टू हैंड्स वी हैव टू हैंड्स नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैट राइम विद दिज वर्ड्स रोज तो नोज स्टैंड हैंड रेस्ट चेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद दर्स गिविन बिलो वी हैव वन नोस हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स फुल करनी है वी हैव वन नोज वी वॉक विद आवर लैग्स वी हैव टेन टल वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आवर शोल्डर्स हम जो स्कूल का बैग जो लेके जाते हैं वो कंधों पे तो टांगते हैं पीछे को तो टांगते हैं तो वी कैरी आवर स्कूल बैग्स ऑन योर ऑन आवर शोल्डर्स ऑन आवर शोल्डर्स वी हैव टू आइज वी हैव टू आइज विच नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज थ्रो आ बॉल तो हम कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं बॉल को फेंकने के लिए थ्रो आ बॉल तो हैंड का यूज़ करते हैं विच पार्ट ऑफ द बॉडी टू यू यूज टू ड्रो हम ड्रो यानी ड्राइंग किससे बनाते हैं हैंड से बनाते हैं और ये आप इसका रास्ता आप फिल करिएगा किस तरह से करना है ओके नेक्स्ट चैप्टर है आवर सेंस ऑर्गन्स तो हमारे फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स दे आर आइज नोज़ टंग ईयरस एंड स्किन आइज नोज टंग ईयर स्क्रेन आवर आइज़ हेल्प आसर टू सी थिंग्स हम आइज़ की उम्र से क्या करते हैं देखते हैं चारों तरफ अराउंड अस वी हैव टू आईज हमारी कितनी आँखें होती हैं दो आँखें होती हैं आवर आइज़ हेल्प आसर टू सी थिंग्स अराउंड एस वी हैव टू आइज वी हैव टू आईज आवर नोज हेल्प आसर टू स्मेल थिंग्स वी हैव वन नोज वी हैव वन नोज आवर ईयर हेल्प आसर टू हेयर साउंडस हम यह yeah, साउंड सुनते हैं आवाज़ सुनते हैं तो किसकी वजह से ईयर की वजह से कानों की वजह से वी हैव टू ईयर्स वी हैव टू ईयर्स आवर टंग्स आस टू टेस्ट फोर्ड आवर टंग्प आस टू टेस्ट फोर्ड वी हैव वन टंग वी हैव वन टंग हम कोई चीज़ खट्टी है मीठी है जो टेस्ट का जो पता चलता है वो किससे पता चलता है हमें जबान से यानी अपनी टंग से टंग ट तो आवर स्किन हेल्प अस टू फील हमारी स्किन से क्या होता है हमें फ़ील होता है किसी ने टच नहीं किया क्या कोई गर्म है हॉट है तो इसका जो हमें एहसास होता है वो स्किन की वजह से होता है वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी तो स्किन जो है हमारी बॉडी की चारों तरफ है यानी ऑल आवर बॉडी जो हमें कवर जो कर रखा है हमें वो स्किन ने कर रखा है तो वी हैव स्किन ऑल ओवर ऑल ओवर आवर बॉडी ऑल ओवर आवर बॉडी दीज फाइव सेंसेस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस जो ये फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं हमारे लिए बहुत खास हैं दे आर लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड और हमारे किस तरह से हैं जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है द स्किन आवर आईलेट्स इज द थिनेस्ट जो स्किन है आई की आईलेट्स की वो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट होती है नेक्स्ट हम एक्सरसाइज कर लेते हैं टेक द करेक्ट आंसर विच सेंस ऑर्गन्स टेंस अस डेड द टेलीफोन इज रिंगिंग तो हमें टेलीफोन की रिंगिंग का किस तरह से पता चलेगा कौन से सेंस का ऑर्गन का हम, और, हम यूज़ करते हैं तो हम ईयर्स का यूज़ करते हैं क्यों तो से तो पता चलेगा कि आवाज़ आ रही है या रिंग आ रही है ओके okay, किसी का फ़ोन आया है तो स्क्रीन या टंग से नहीं होगा विच सेंस अस डेट द डेस्क इज ब्राउन तो हमें आइस देखने से वैसे लगा आइस का काम क्या है जी देखने का विच सेंस ऑर्गन टेल्स असर डेट द रोज हैज़ अ नाइस स्मेल तो हमें नोज़ कि हमें कौन बताएगा नोज हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव तो कितने फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन तो हमें फाइव होते हैं यानी कितने सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं फाइव विच सेंस ऑर्गन्स डू यू यूज टू नो अबाउट द फॉलोइंग फ्यूचर्स ऑफ योर बर्थडे केक आपकी बर्थडे है ओके okay. आपके बहुत बड़ा सा केक आया है तब उसमें आपको ये आपके बॉडी पार्ट्स हेल्प करेंगे तो जैसे ब्यूटीफुल शेप तो ब्यूटीफुल केक का ब्यूटीफुल शेप है तो वो आइस की आइज़ हेल्प करेगी कि हाँ वाकई ब्यूटीफुल सेफ है स्वीट टेस्ट है तो आप खाओगे तो क्या कौन सा बॉडी का पार्ट्स आपको बताएगा सेंस ऑफ ऑर्गन बताएगा आपका वो टंग बताएगी क्या उसका केक का किस के तरह का टेस्ट है तो वो टंग नाइस स्मेल आपकी नोज़ बताएगी और सॉफ्टनेस वो जो केकस की हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है वो कौन बताएगा स्किन बताएगी ओके मैच करेक्टली ईयर हेयर नोज स्मेल नोस स्मेल आइस सी आइस की वजह से क्या see करते हैं सी करते हैं ईयर की हेयर नोस स्मेल विच सेंस ऑर्गन हेल्प टू हेल्प्स यू टू वाच टेलीविज़न तो कौन से सेंस ऑफ ऑर्गन का यूज़ करते हो वॉच टेलीविज़न के लिए आइस स्मेल आरोज नोस नो वट द केटिल इज हॉट स्किन लिसन टू म्यूजिक ईयर्स नो द टेस्ट ऑफ एन एप्पल टंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सैंस ऑर्गन्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड हमारे जो सैंस ऑफ ऑर्गन हैं हमारे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं दे हेल्पअ हमारी क्या करती हैं मदद करते हैं डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स कि आप अपने फ्रेंड्स की मदद करते हो येस yes. तो हमें यहाँ क्या लिखना है येस yes लिखना है प्ले आ गेम फाइंड द नेम्स ऑफ फाइव साइंस ऑर्गन इन द फॉलो वर्ल्ड ग्रीड ग्रीड में जो है आपको फाइव साइंस ऑफ ऑर्गन बनाने हैं जैसे ये बनाया एन ओ एस नोज एस के आई एन स्किन ई वाई एस आईज ये टी ओ एन जी यू टंग ई आर एस ईयर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं माई फैमिली हेलो आई एम नैन्सी तो ये क्या है नैन्सी है तो ये अपनी फैमिली का इंट्रोड्यूस करवा रही है आई एम अकल अमित इज़ माई ब्रदर एंड आई एम हिज सिस्टर मैं उसकी क्या हूँ बहन हूँ अमित मेरा भाई है लिव इन हाउस विद आवर मदर एंड फादर हम जो है अपने मम्मी और पापा के साथ रहते हैं माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स आपके मम्मी पापा आपके कौन लगते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स ओके माई मदर एंड आई आर देयर चिल्ड्रन माई ब्रोदर एंड आई आर देयर चिल्ड्रन मेरा भाई और मैं क्या हैं? अपने माँ बाप के क्या हैं बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं आई एम their डोटर मैं डोटर हूँ और माई ब्रोदर इज़ their सन मेरा भाई जो है उनका क्या है बेटा है वी ऑल लिव टूगेदर हम एक साथ रहते हैं वी आर आ फैमिली हम क्या हैं वी आर आ फैमिली हम एक फैमिली हैं एक परिवार हैं There आर फोर मेम्बर्स इन आवर फैमिली कितने मेम्बर्स हैं हमारी फैमिली में फोर मेम्बर्स हैं आवर is अ स्मॉल फैमिली हमारी फैमिली क्या है स्मॉल फैमिली है आई लव माई पेरेंट्स दे लव एंड टेक केयर ऑफ माई brother एंड मी दे लव एंड टेक केयर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की क्या है केयर करते हैं ऑफ माई ब्रदर एंड मी रीना लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ग्रांड पेरेंट्स हर आंट एंड अंकल आल्सो लिव विद दैम देयर आर मैनी मेम्बर्स इन हर फैमिली आ फैमिली डेट हैज़ मैनी मेम्बर्स इज़ अ बिग फैमिली रीना की फैमिली में क्या है विद हर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उनकी फैमिली में पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं आंट हैं अंकल हैं तो देर आर मैनी मेम्बर्स इन अ फैमिली इसलिए इनकी रीना की जो है, है. तो फैमिली है वो बिग फैमिली है तो आ फैमिली डेट हैज़ मैनी मेम्बर्स इज बिग फैमिली कैसी फैमिली है बिग फैमिली है अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन हाउस आ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस यानी एक साथ रहते हैं घर में ये तो विमिली है मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली लुक आफ्टर एंड केयर फॉर वन एंड उदर और ये एक दूसरे क्या है केयर करते हैं ऑल द फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर ऑन डिफरेंट ओकेजेंस लाइक वेडिंग बर्थडेज फेस्टिवल्स ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर द सेम सर नेम जितने भी फैमिली मेम्बर्स के हैं तो सरनेम जो है सेम रहता है द सरनेम इज़ द लास्ट नेम सर नाम किसे कहते हैं जो नाम के लास्ट में होता है उसे सरनेम कहते हैं फॉर एग्जांपल वर्मा माधो अली जैन तो ये क्या है सर नेम है हम एक्सरसाइज कर लेते हैं टेक द करेक्ट आंसर माई फादर एंड मदर आर माई पेरेंट्स तो क्या होंगे डॉटर या सन या पेरेंट्स तो क्या होंगे माई फादर एंड मदर आर माई पेरेंट्स माई फ़ादर एंड मदर आर माई पेरेंट्स माई पेरेंट्स सन इज़ माई ब्रोदर मेरे बाप का बेटा जो है क्या होगा ब्रोदर तो माई पेरेंट्स सन इज़ माई ब्रोदर वी आर आवर पेरेंट्स तो वी आर आवर पेरेंट्स वी आर आवर पेरेंट्स तो क्या होंगे चिल्ड्रन चिल्ड्रन के दू होंगे पेरेंट्स आ फैमिली ऑफ योर मेम्बर्स इज़ अ फैमिली इज़ अ इस्मैमिली टेक द करेक्ट टेक द करेक्ट द पिक्चर डेट शोज इज़ द फैमिली तो जिसमें इंजॉय कर रहा है तो वो कौन सा है टेक द ये तो नहीं कर रहा ये भी इंजॉय कर रहा है फैमिली में और ये दोनों पिक्चर जो हैं पीओर सी इंजॉय कर रहे हैं टेक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस रोंग द रोंग वन ओके मेम्बर्स ऑफ आ फैमिली केयर फॉर वन एन ओ दर येस देर आर मैनी मेम्बर्स इन ए स्मॉल फैमिली नहीं देर आर uh, जो मैनी मेबर्स होंगे वो तो बिग फैमिली में होंगे ओके okay? तो यही बात गलत है क्योंकि स्मॉल फैमिली में तो मेम्बर्स कम होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिविंग बिलो आवर पेरेंट्स लव एंड टेक केयर ऑफ अस टेक केयर ऑफ अस a family lives together in a house a family that has many members in a big family all the members of a family share the same surname Na name nancy relation with her family members use the words given in the help box father mother brother एक्टिविटी प्रोजेक्ट इसमें स्मॉल फैमिली दिस वन एंड बिग फैमिली दिस वन आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक